और जैसे कि हम बात करने वाले हैं पल्सर N150 और N160 का, जो दोनों में नया चेंजेस देखने के लिए क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है वो आप इसी वीडियो में आपको बताएंगे। सारा सारा जो ये आपको देखिए रेड वाला जो है वो आपका N150 है और ये वाला आपका N150 ही है, जो दोनों में क्या क्या चेंजेस हो गया है और दोनों में क्या रेट का चेंजेस है वो हम इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। तो आपको स्टार्टिंग करेंगे फ्रंट से, तो फ्रंट से दोनों में देखने के लिए ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, जो फ्रंट में दोनों सेम लुक दिया है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं। बाकी चेंज स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पहले देख सकते हैं। तो आपका जो N150 का जो मीटर कंसोल है और बाकी यहाँ पर जो है चेंजेस ये देखने के लिए मिलने वाला है, जो आपको N150 है, N150 ये भी है। तो इसमें मीटर जो आता तो पहले वही नॉर्मल आता है और इसमें मीटर में थोड़ा सा जो चेंज है वही चेंज देखने के लिए यहाँ पे उसमें मिलने वाला आपको नए अपडेट में। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। तो स्टार्टिंग करेंगे उस मीटर वाला में, तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको हम दिखाते हैं। तो ये हो गया गाड़ी का लुक जो है दोनों का, वो सेम चीज़ है लुक होने के बाद भी। तो मीटर देख सकते हैं फुल्ली आपको LED मीटर देखने के लिए मिल जाएगा, मीटर कंसोल होने के बाद इसमें ब्लूटूथ आपको दे दिया है। ब्लूटूथ देख सकते हैं यहाँ पे आपको मतलब टिप टिप करके दिख रहा है। बाकी इसमें अगर बात किया जाए तो आपको इसमें आपको बैटरी का मैसेज अलर्ट का बाकी कॉलिंग का सारा इसमें दिखने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो इसमें आपको फुल्ली पूरा चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा, जो अपर डिपर जो था वो आपको पूरा सिंपल में सिंगल में कर दिया। बाकी यहाँ पे जो है बाकी यहाँ पे एक देख सकते हैं बटन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। बटन बढ़ाने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ का जो भी फंक्शन है पूरा चेंज कर दिया है। बाकी यहाँ पर पूरा जो मीटर कंसोल का मीटर में पूरा फुल्ली चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहीं से आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। आपको दिखाते हैं मगर ऐसे करके, तो यहाँ पर आपको कुछ देर तक प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पर कुछ देखने के बाद चेंज देखने के लिए मिलता है, दिखाते हैं हम आपको। तो देखते हैं यहाँ पर बाकी मैं ऐसे मीटर में आपको बताते हैं मीटर में क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो मीटर कंसोल का जैसे अगर बात किया जाए तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी इंडिकेटर का यहाँ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अपर डिपर मिल जाता है इस साइड में। बाकी यहाँ पे RPM लाइट देखने के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ फुल्ली ऊपर में। बाकी यहाँ पे फ्यूल वाला मिल जाएगा, फ्यूल वाला जो देख सकते हैं अभी बहुत फ्यूल कम है इसलिए फ्यूल कम बता रहा है यहाँ। बाकी न्यूट्रल यहाँ गियर पोजीशन सारा बताएगा, यहाँ पर स्पीडोमीटर बता देना। बाकी यहाँ पे आपको जो सर्विस का जो वो बताएगा, यहाँ पे टाइमिंग देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे साइड स्टैंड देखने के लिए मिल जाता है आपको, बाकी ट्रिप 1 ट्रिप 2 बाकी यहाँ पे, बाकी किलोमीटर बाकी टाइमिंग मतलब मीटर का जो बात की पूरा मतलब कर दिया पूरा अच्छा सा। बाकी यहाँ पे ABS बाकी यहाँ पे चेक लाइट देखने के लिए मिल जाता है। ये पूरा फुल्ली मीटर का जो है मीटर कंसोल पूरा चेंज कर दिया है इस गाड़ी में N150 में। और वही बात है जैसे वो N150 ये भी है और ये भी N150, तो जो नया कलर में दे दिया है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या कर दिया इसमें देखने के लिए अपडेट, मतलब तीन चीज़ अपडेट कर दिया दोनों गाड़ी में। तो इसमें जैसे सिंगल डिस्क ब्रेक आता था तो इसमें आपको डुअल डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें डबल डिस्क ब्रेक देखने के लिए इसमें मिल जाने वाला है। तो वो चीज़ देख सकते हैं, चेंज देख सकते हैं। बाकी सिंगल दोनों ABS ही आता है, दोनों में ट्यूबलेस टायर ही दे रहा है। बाकी जो टायर का जो टायर सेक्शन है टायर सेक्शन भी सेम दिया। बाकी जो लुक वुक है सारा चीज़ सेम दिया। बाकी चेंज देखने के लिए इसमें और कुछ दोनों में चेंज देखने के लिए नहीं मिलने वाला। तो बाकी वही देख सकते हैं टंकी का भी जो है इसमें भी आपको E20 देखने के लिए मिल जाएगा, उसमें भी E20 देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जो ग्राफिक्स जो देखना है जो रेड में ग्राफिक्स जो दे रहा है वो व्हाइट में भी ग्राफिक्स मिल रहा है, इसमें व्हाइट वाला भी जो है सेम ही ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी सीट कॉल का जो है वो सीट कॉल में भी सेम ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसमें भी देख सकते हैं जो ग्राफिक्स है ये देख सकते हैं सेम ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा सीट कॉल का। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं बैक लाइट का जो चीज़ पोजिशन है वह सेम पोजिशन वाला ही है, तो सेम पोजीशन। बाकी चेंज देखने के लिए नहीं मिल, बाकी जो वही है। तो आपका मीटर में दोनों में देखने के लिए चेंजेस तो देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट से भी जो है सेम ही, बाकी आपको इसमें भी USB चार्जिंग मिल जाता है, इसमें भी USB चार्जिंग देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर भी एक चार्जिंग देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इस साइड का अगर बात किया जाए तो इसमें कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला, जो दोनों में सेम दिया हुआ है इसमें और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में कोई ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता, तो वो दोनों सेम चीज़ है। बाकी इसमें देख सकते हैं बाकी आप यहाँ पे N150 भी है, तो N150 में भी और N160 में दोनों में आपका मीटर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे आगे ये N160 में तो देख सकते हैं इसका मीटर सेम दोनों कर दिया, तो इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगे, अगर वीडियो अच्छा रहा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।